निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फिफ्टी टूडेज इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फिफ्टी चलिए दोस्तों कैसा रहेगा आज का स्टॉक मार्केट तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी निफ्टी फिफ्टी की बात कर लिया जाए तो निफ्टी फिफ्टी ओपन हुआ था कल उन्नीस हजार पाँच सौ छिहत्तर पे ओपन हुआ था उन्नीस हज़ार पाँच सौ छिहत्तर हाई गया था उन्नीस हज़ार छः सौ बीस रुपया और लो बनाया था आपको उन्नीस हजार पाँच सौ चौबीस पिछले सप्ताह जो बंद हुआ था उन्नीस हज़ार पाँच सौ सत्रह पे और एक बावन सप्ताह हाई इसका है उन्नीस हज़ार नौ सौ बानबे रुपया और बावन सप्ताह लो है पंद्रह सोलह हज़ार सात सौ तो निफ्टी फिफ्टी पंद्रह उन्नीस हज़ार पाँच सौ संतानवे पे बंद हुआ था ठीक है सन्तानवे पे बंद हुआ था अब आइए दोस्तों क्या होने वाला है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे निफ्टी फिफ्टी का क्या संभावना है आज वो स्टॉक देखने से ही पता चल जाता है तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी प्रिडिक्शन ऑफ निफ्टी फिफ्टी तो ओपन हुआ था आपको उन्नीस हज़ार पाँच सौ छिहत्तर पे प्रीवियस कॉल उन्नीस पाँच सौ छिहत्तर डे हाई इसका उन्नीस हज़ार छः सौ बीस और डे लो की बात करेंगे तो उन्नीस हज़ार पाँच सौ चौबीस और बावन सप्ताह हाई की बात करेंगे तो उन्नीस हज़ार नौ सौ बानवे और सोलह हज़ार सात सौ सैतालीस इसका लो है ठीक है अब आइए दोस्तों अब इस इसमें किसका किसका योगदान रहेगा वो भी जान लीजिए आज महिंद्रा एंड महिंद्रा का तो पक्का लिख लीजिए रिलायंस का भी लिख लीजिए टी सी एस इन्फोसिस का भी लिख लीजिए डेविक्स लैब का भी लिख लीजिए इन सभी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रडार पर रखिए आप डेविक्स लैब महिंद्रा एंड महिंद्रा और इन्फोसिस टी सी चारों के चारों स्टॉक आपको रडार पे रखना है चलिए दोस्तों और आज रखना आपको एक्सिस बैंक बजाज फाइनेंस टाटा मोटर और एस बैंक ब्रिटानिया छोड़ दीजिए आ जाइए एक्सिस बैंक रखना है रडार पे अपोलो हॉस्पिटल रखना है अडानी पोर्ट रखना है एशियन पेंट भी रखना है रडार पे यह अब अब आना है आपको कि कौन सा लेवल पे आपको निफ्टी फिफ्टी का कौन सा लेवल काम आएगा वही तो जानना है दोस्तों बेस बना हुआ है आपका निफ्टी फिफ्टी का बेस बना हुआ है आपका उन्नीस हज़ार पाँच सौ अस्सी ठीक है अगर ये बेस को तोड़ता है ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों तो पहला आपका उन्नीस हज़ार छः सौ छत्तीस और ये एक्टिव होता है उसके बाद आज छः सौ छिहत्तर और सात सौ बत्तीस का आपको रेसिटे रेसिडेंस देखने को मिलेगा सपोर्ट इसका बना हुआ है उन्नीस पाँच सौ इकतालीस और दूसरा सपोर्ट है उन्नीस हज़ार चार सौ पचासी और उन्नीस हज़ार पाँच सौ सत्तर उन्नीस हज़ार तीन सौ सत्तर तो ये दोस्तों पहले तो आप ये जान लीजिए कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस की बात छोड़ दीजिए सीधा फंडा बेचेंगे इस प्राइस पे पहली बार दूसरी बार तीसरी बार और खरीदेंगे जब तक ये आएगा नहीं उन्नीस हज़ार पाँच सौ इकतालीस जब तक नहीं आएगा चार सौ पचासी उन्नीस हज़ार चार सौ पचासी और जब तक नहीं आएगा ती, तीन सौ पचहत्तर तब तक हम खरीदेंगे नहीं यही लेवल आएगा तभी ख़रीदेंगे और यही चार्ट को दिखाने का यही मतलब है दोस्तों चलिए अब निफ्टी बैंक की भी बात कर लिया जाए तो निफ्टी बैंक में आपको मैं बता दूँ निफ्टी बैंक कल बंद हुआ था आपको खुद ही देख लीजिए निफ्टी बैंक कैसे जाता है और इसका कार्य क्या है निफ्टी बैंक कैसे चलता है ऐसे चलता है ये तो कोरोना के टाइम में नीचे घुस गया था फिर ये ऊपर आ गया फिर ऐसे 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 चलता है तो आपको हम लोग बता दें बहुत बड़ी एनालिसिस निफ्टी बैंक जो बंद हुआ चौवालीस हज़ार आठ सौ पे वो आपको आगे चल के पता चलेगा हमारी एनालिसिस कल जो मार्केट निफ्टी बैंक की जो प्रिडिक्शन थी माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन था दोस्तों कोई माने नहीं रखता है और माइनस बयालीस पॉइंट क्या माने रखता है ठीक है बयालीस रुपया क्या माने रखता है चलिए निफ्टी बैंक कल की बात अब आज से कल ही संकेत दे दिया दोस्तों भारतीय शेयर बाजार कल ही संकेत दे दिया कि हम मंगलवार को बैंकों में ख़तरनाक तेज़ी आएंगे और हमने पहले ही बता दिया दोस्तों चलिए तो आज मार्केट खुलते ही चलिए देखिए एक सप्ताह एक दिन में भी यहाँ पर आप, आप दिखा दें एक दिन में बयालीस रुपया कल जो गिरा अच्छा दूसरे दिन एक सप्ताह में कितना आठ सौ बानवे आठ सौ बानवे और बयालीस रुपया एक दिन उधर दो दो चार नौ चार तेरह नौ सौ चौंतीस नौ सौ चौंतीस अभी तक हुआ एक महीना पहले तेईस नौ सौ चौंतीस और तेईस सात पाँच नौ सौ सत्तावन चलिए अब डिटेल्स जान लिया जाए तो मतलब एक हज़ार का वारे नारे हो गया ओपन हुआ था आपको चवालीस नौ सौ तिरानबे सत्तर पैसा और पिछला क्लोज हुआ था बृहस्पतिवार को एक्सपायरी के दिन चौवालीस आठ सौ उनासी और डे हाई पैंतालीस हज़ार ग्यारह था और बावन सप्ताह हाई था छियालीस हज़ार तीन सौ उनहत्तर और डे लो गया था चवालीस सात सौ ये निफ्टी बैंक दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं हाँ अब आज ये दोस्तों सबसे बड़ा बड़ी बात यही देखना है कि प्रिडिक्शंस क्या कहता है तो बेस इसका बना हुआ है दोस्तों चवालीस आठ सौ चौहत्तर का बेस बना हुआ है बढ़िया बेस मजबूत है बेस इसका मज़बूत है अगर ये बेस को तोड़ता है और ऊपर की तरफ़ जाता है ये तो चौवालीस नौ सौ चौहत्तर दूसरा इसका पैंतालीस एक सौ ग्यारह और पैंतालीस दो सौ बारह पर बिक्री करेंगे तो आज तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है आपको पूरे दिन भर पूरे दिन भर में दस बार कमाई बैंकों में इतनी तेज़ी क्यों आई क्योंकि आपको मैं बता दूं बैंक एक महीने में एक सप्ताह में विकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी और एक दिन में ये पूरा माइनस 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 हो के नीचे गिरते 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 नीचे गिरते 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 नीचे गिरते 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 आ गए यहाँ पे अब क्या है हो गया निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक ये ऐसे इंडेक्स हैं कि ज़्यादा दिन बीमार नहीं रहते हैं ठीक है ज़्यादा दिन ज़्यादा दिन बीमार नहीं रहते हैं और यही सोच के हम आपको बताते हैं कि निफ्टी, फिफ्टी और निफ्टी बैंक इंडेक्स ज़्यादा दिन बीमार नहीं रह ज़्यादा दिन बीमार नहीं रहते हैं बीमार नहीं रहते हैं ठीक है तो आप भी देखते रहिए हम भी देखते हैं तो बैंकों में करिए कमाई क्योंकि हमें आज एक महीने बाद याद याद आई चलिए दोस्तों देखते हैं फिर मार्केट खुलने से पहले ही आपको मैं बता दिया प्रिडिक्शन निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक की हंड्रेड परसेंट जय हिंद जय भारत बंदे मातरम आप स्वस्थ रहे आपका परिवार स्वस्थ रहे इस वर्ष मैं यही कामना करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों लाइक